हेलो यूट्यूब, मॉर्निंग एपिसोड हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। गाइज, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लेटेस्ट अपडेट के लिए डाउनलोड कीजिए बिफोर न्यूज़ ऐप। इंटरनेट के बारे में बात करें तो ये जैसे एक मिरेकल से कम नहीं है, और दुनिया में शायद ही कोई ऐसी दूसरी टेक्निक हो जिसे इतनी तेज़ी से लोगों ने अपनाया हो और जिसने इतने कम टाइम में इतना डेवलप कर लिया हो, और जिस कमाल के साथ ये लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन का ज़रिया है और जिस तरह से ये एक दूसरे को जोड़ता है। उन लोगों के लिए ये एक्सपीरियंस कमाल का है जिनके देखते देखते ही इंटरनेट ने इतना डेवलप किया है, क्योंकि हम इसे तभी आसानी से समझ सकते हैं जब हमने वो दौर भी देखा हो जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था। तब हम इसके होने और नहीं होने का फायदा समझ सकते हैं। तो चलिए इस कमाल की तकनीक के हिस्ट्री के बारे में थोड़ी बात करते हैं। इंटरनेट के शुरुआती दौर की बात करें तो ये तब से शुरू हुआ जब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स ने डेवलपमेंट में जोर पकड़ लिया। जब कंप्यूटर्स के वर्ल्ड में डेवलपमेंट होने लगा, तब उन्हें एक दूसरे से जोड़ने के लिए नेटवर्क की जरूरत महसूस होने लगी, क्योंकि कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़ के आसानी से एक दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करना काम को स्पीड और शॉर्ट टाइम में करने के लिहाज में जरूरी हो गया था। यूएस में शुरू में जिस तकनीक की वजह से एक दूसरे कंप्यूटर को जोड़ा गया था उसे ARPANET के नाम से जाना गया। 60 के डेकेड के खत्म होते ARPANET, NPL नेटवर्क, सेक्लरीज, मेरिट नेटवर्क, टिमनेट और टेलीनेट जैसे कई तरह की तकनीक नेटवर्किंग के लिए यूज होने लगी। 60 के डेकेड के खत्म होते ही यानी 1969 में अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट और स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर इंटरनेट की खोज कर दी। उसके करीब 10 साल बाद ब्रिटिश ने सबसे पहला इंटरनेशनल नेटवर्क बनाकर नए तरीके से इस मामले में रिवॉल्यूशन ला दी। तो ये थी बात इंटरनेट की शुरुआती दौर की। अब बात करते हैं W3 के खोज के बारे में। जिस इंटरनेट को हम लोग जानते हैं उसकी शुरुआत करीब 1989 में हुई, जब टिम बेनरली नाम के इंसान ने ब्राउजर, वेब पेजेस और लिंक को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की। WWW या इसे हम W3 के नाम से भी जानते हैं के खोज के बाद इंटरनेट को अपना एक्सटेंडेड फॉर्म मिल गया और ये तेजी से डेवलप करता गया। जैसे ही वर्ल्ड वाइड वेब की खोज हुई, उसके बाद इंटरनेट को इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करने के लिए ब्राउजर्स के बारे में सोचा गया, जो एक तरीके से वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती है, जिसके इस्तेमाल से हम उस नोटिफिकेशन को जो वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं खोज सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं और लिंक के जरिए से एक से दूसरी जगह अवेलेबल नोटिफिकेशन तक भी पहुंच सकते हैं। और ये मुमकिन इसलिए हो पाया क्योंकि अब डेटा तक पहुंचने के लिए एक लिंक यानी कि URL को जरिया बनाया गया था, जिसे आज हम वेबसाइट एड्रेस के नाम से जानते हैं। 1990 में टिम बेनरली ने वेब सर्वर और पहला वेब ब्राउजर को बनाया, जिसे उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब नो स्पेस का नाम दिया, जिसका नाम बदलकर नेक्सस कर दिया गया। उसके बाद एक के बाद एक कंपनी ने अपने ब्राउजर्स को मार्केट में लॉन्च करना शुरू कर दिया। 1993 में मार्क एंडरसन ने मोज़ेक नाम का एक ब्राउजर डेवलप किया, जो बाद में नेटस्केप के नाम से जाना गया। ये ब्राउजर यूज करने में काफी इजी था, इसी वजह से 1990s के लोगों में इंटरनेट का जो तेजी से डेवलपमेंट शुरू हुआ वो इसी की देन है। तो अगर सिंपल और शॉर्ट लफ्जों में कहें तो इंटरनेट हिस्ट्री में टिम बेनरली का शानदार कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। तो ये थी इंटरनेट की शानदार इतिहास। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। गाइज, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देगी वीडियोस बनाने के लिए, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मेरी IGTV वीडियोस देखने के लिए फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ।